तो मेरे भाइयों, आपको पता है हमारे देश में कानून के ठेकेदारों द्वारा खूब कहा जाता है कि संविधान और कानून देश के हर समाज और जाति के लोगों को बिना भेदभाव के न्याय दिलाता है, इसलिए हम संविधान के पुजारी हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद यही संविधान के पाखंडी पुजारी उस संविधान का उपयोग लोगों से पैसा वसूलने में तथा अपने अंदर की जाति रूपी घृणा को निकालने में करने लगते हैं। तो इसी जाति रूपी घृणा और लालच का शिकार महाराष्ट्र का एक 8 साल का बच्चा हुआ है। सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस बच्चे का नाम वैष्णव सत्यवान निमसे है। ये महाराष्ट्र में पुणे का रहने वाला है और 3rd क्लास में पढ़ता है। अभी कुछ दिनों पहले इस बच्चे का झगड़ा अपने पड़ोसी बुद्धिस्ट परिवार के एक बच्चे से स्कूल के क्लास में हो गया था। दुर्भाग्य से ये बच्चा मराठा जनरल कैटेगरी से आता है। इसी का फायदा उठाकर उस बुद्धिस्ट बच्चे के परिवार वालों ने इस बच्चे के परिवार पर और इस पर SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट और रेप केस के साथ ही एक विकलांग व्यक्ति से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर FIR दर्ज करा दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक 8 साल के बच्चे पर पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट और रेप केस के तहत FIR दर्ज हो कैसे गई? क्योंकि संविधान तो इस केस की अनुमति ही नहीं देता है। अरे पॉक्सो एक्ट तो 16 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ की जाने वाली अश्लीलता और यौन उत्पीड़न की कंडीशन में लगता है। अब आप सोचते होंगे तो फिर लग कैसे गया? पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। क्योंकि ऐसे केसों में लोग कोर्ट के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं तो वो पुलिस और झूठे पीड़ित को लाखों रुपए देकर समझौता कर लेते हैं, जिससे पुलिस का भी फायदा होता है और उस झूठे पीड़ित का भी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो लोग बर्बाद होने से बचना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं थोड़े बहुत पैसे देकर इस केस को ही निपटा देते हैं। तब भी वहाँ पर ये लोग लाखों रुपए ले लेते हैं और इस केस में भी यही हुआ है। ये झूठे लोग पैसे लेकर इस मामले में समझौता करना चाहते हैं, जिसमें पुलिस का भी फायदा है और उस नकली बुद्धिस्ट परिवार का भी। इन सब चीजों से परेशान होकर उस बच्चे ने वहाँ के SP को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उसने कहा है, जहाँ मेरे साथ के बच्चे डेली स्कूल जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं मुझे पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी के तहत अपराधी बनाया गया है। पुलिस अधिकारी नलावड़े ने FIR 227 में मेरा नाम दर्ज किया है और जब पुलिस ने जुन्नौर में मेरी तलाशी ली और मैं वहाँ पर नहीं मिला तो पुलिस ने मुझे फरार घोषित कर दिया। इसके बाद में वैष्णव लिखता है, CCTNC क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में एक स्कूली विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ 2004 कैसे दर्ज करते हैं, इसकी जिम्मेदारी पुलिस निरीक्षक यशवंत नलावड़े ने ली है। यानी 8 साल के बच्चे की डेट ऑफ बर्थ FIR में 2004 लिखने का मतलब जानते हो? सीधे तौर पर एक अबोध बच्चे को जाति घृणा और लालच के कारण फंसाकर पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें वो बच्चा और उसका परिवार भले ही बर्बाद हो जाए, किंतु झूठे आरोप लगाने वाले नकली बुद्धिस्टों और पुलिस वालों का अच्छा फायदा होगा। क्योंकि वो लोग खुद को बचाने के लिए उन नकली बुद्धिस्टों को समझौते के तहत अच्छे खासे पैसे देंगे, जिसको पुलिस वाले और नकली बुद्धिस्ट मिलकर खाएंगे। वरना किसी और कंडीशन में एक 8 साल के बच्चे की डेट ऑफ बर्थ FIR में 2004 लिखी ही नहीं जा सकती है। सारा मैटर पैसे का ही है और ये कोई पहला मैटर नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन्होंने या तो लोगों की जानें ले ली हैं या फिर उनके परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। जिसमें ऐसा ही एक केस कई साल पहले प्रयागराज में हुआ, जहां पर एक बलराम नाम के 10 साल के बच्चे का झगड़ा अपने ही क्लास के एक SC समाज के बच्चे से हो गया। तो पुलिस ने उस बच्चे पर SC/ST एक्ट के साथ ही कई धाराओं में केस दर्ज किया और उसमें पुलिस ने उस 10 साल के बच्चे को ही मुख्य आरोपी बनाया। और आप जानकर हैरान होंगे, हर समय SC/ST OBC को दलित बोलने वाले इन्हीं लोगों ने बलराम यादव, जो कि OBC दलित समाज से था, उस पर पैसों के चक्कर में झूठा SC/ST एक्ट लगाया और उसमें पुलिस ने भी इनका साथ दिया। ये लोग इतने दोगले हैं, अगर इन्हें सवर्णों को गालियां देनी है तो ये OBC को दलित कहेंगे, अपना सहोदर भाई कहेंगे, किंतु अगर OBC को लूटना है तो उसी पर फर्जी SC/ST एक्ट लगा देंगे। तो इसी तरह का झूठा केस पिछली साल अगस्त 2022 में राजस्थान में एक रचित खंडेलवाल नाम के बहुत ही पढ़े लिखे लड़के के साथ हुआ, जब उसकी माँ पर झूठे भीमवादियों ने झूठा SC/ST एक्ट लगा दिया। तो रचित खंडेलवाल, जो कि CA जैसी ऊंची पोस्ट पर जॉब करता था, उसने छत से कूदकर जान दे दी। वहीं राजस्थान के चोरू में उत्तम सोनी को एक ऐसी महिला ने और उसके 4 साथियों ने मिलकर झूठा रेप केस और एट्रोसिटी केस लगाने की धमकी दी, जिससे डरकर उत्तम सोनी ने पिछले साल जुलाई के अंत में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अभिनव प्रताप नाम के एक छात्र को एक ऐसी महिला ने झूठा SC/ST केस लगाकर जेल में बंद करा दिया, जिससे अभिनव प्रताप ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। अब हाई कोर्ट ने एट्रोसिटी केस के होने वाले मिसयूज की CBI जांच भी कराई थी। ऐसे पता नहीं कितने केस हमारे देश में रोज होते हैं, जिनमें झूठे भीमवादी और नकली बुद्धिस्ट पता नहीं कितने लोगों के जीवन को पुलिस के साथ मिलकर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर टैग कर इस अबोध बच्चे को न्याय देने की मांग करें, अन्यथा ये जातिवादी लोग इस बच्चे की भी जान ले लेंगे और ये बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सनातनियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।